डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम प्लस वन बायोलॉजी पार्ट वन। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लोरोफिएसी एंड फियोफिएसी, रोडोफिएसी एंड यूजेज ऑफ एल्गी। प्लांट किंगडम के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। प्लांट किंगडम्स जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं इस सृष्टि के ऊपर, उनको हमने पांच भागों में डिवाइड कर दिया। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, जैसे हमने नाइन्थ के एनसीईआरटी में स्टडी किया था। तो आज हम सिर्फ एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। एल्गी क्या है, एल्गी के टाइप क्या हैं, एल्गी टर्म्स किसने लॉन्च की थी। देखिए, जो सबसे पहले एल्गी की जो टर्म थी वो लीनियस, द टर्म एल्गी इज गिवन बाय द लीनियस ने दिया था ये टर्म। लीनियस ने टर्म दिया था कि टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लीनियस। ओके, स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि हम एल्गी को हम हिंदी में समझें, आम भाषा में समझें, तो काई होती है, जो जोड़ के ऊपर काई है, और वो एक प्रकार का प्लांट होता है। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज ए फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स जो एल्गी की दी थी वो लीनियस ने दी थी। स्टडी को हम ये जानते हैं, फादर ऑफ ए फाइकोलॉजी इज नोन एज ए फ्रिस्टस, यानी कि फादर जो है एल्गी का वो क्या है बेटे, आपका फ्रिस्ट टच, दैट इज ए फादर ऑफ ए एल्गी, फादर ऑफ ए एल्गी। ओके, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल हमारी स्टडी चलेगी। आगे बता रखा है कि एल्गी बेटा कहाँ पाई जाती है, एल्गी में क्या होता है। एल्गी बेटा आपकी फ्रेश वाटर के अंदर, आपका फ्रेश वाटर जैसे कि आपका पोंड का वाटर है, मराइन वाटर के अंदर, समुद्र के पानी में पाई जाती है। तो इसकी साइट क्या है, साइट एल्गी जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मराइन वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर जो समुद्र का पानी होता है उसे हम मराइन वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्गी एक ऐसा आपका प्लांट है, एल्गी एक ऐसा आपका प्लांट किंगडम का टाइप है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाई जाती है, इसलिए एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो यानी कि हमारे लिए ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस को प्रोडक्शन करता है, जो हमारे रेस्पिरेशन में हमारी सपोर्ट करती है। बेसिक बातें एल्गी की बेटे, एल्गी जो है लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। एल्गी की जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, एल्गी एक प्लांट माना है, एल्गी का जो प्लांट बॉडी है उस बॉडी को हम, उसके पास रूट नहीं होती, रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ नहीं होता, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो उसके पास न रूट पाया जाता है, न लीफ, न स्टेम। तो प्लांट बॉडी को उसकी तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो हम थैलोइड्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, थैलाइड्स होती है, नो रूट, नो लीफ, नो स्टेम इज प्रेजेंट। ओके, ये एल्गी के बारे में हमने बता दिया। एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करती है, कहाँ पाई जाती है, इसके बाद में आ गया रिप्रोडक्शन। तीन प्रकार से बता रखा है बेटा, एक बता रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा बता रखा है एसेक्सुअल, और तीसरा बता रखा है बेटा सेक्सुअल। तीन प्रकार से हमारा एल्गी जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है वो स्पायरोगेरा के अंदर करता है बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी का टाइप है स्पायरोगायरा और प्रोसेस का नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ए वेजिटेटिव आपका है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद में आ जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है
वो होता है जूस्पोर की सहायता से, यानी कि कहीं पर जूस्पोर एक सीड की तरह होते हैं, गिर जाएंगे फिर फेरेबल कंडीशन के अंदर एक नई एल्गी को जन्म दे देंगे। जूस्पोर एक ऐसी इकाई होती है जो चलती है, ओके, रिप्रोडक्टिव यूनिट है बेटे, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एसेक्सुअल, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो होता है जूस्पोर से, जूस्पोर से होता स्टूडेंट। और जूस्पोर एक ऐसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सीड की तरह, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर है, चलती है बेटे, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है और जन्म देती है फेवरेबल कंडीशन के अंदर एक नई एल्गी को, जूस्पोर, ठीक है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है। अब आ जाता है बेटा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन आपके नॉन सेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, जो भी आपका एल्गी का सेक्स ऑर्गन है वो नॉन आपके जैकेटेड है, यानी कि एल्गी जो है रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का नाम बताया, फ्रेगमेंटेशन जिसने किया, एल्गी ने किया, स्पायरोगायरा ने किया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया जूस्पोर, क्या बताया बेटे, जूस्पोर। अब हम बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बता रखा है, कारा तो है एक मल्टी सेलर और जैकेटेड, लेकिन सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कारा एल्गी का नाम बेटा है, कारा, ओके। तो यहां पर इसके अंदर बता रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम यदि सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो यूनिसेलर है, यूनिसेलर, याद रखने वाली बात है बेटा, नॉन जैकेटेड है, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। लेकिन हम कारा की बात करें तो जैकेटेड है, उसके सेक्स ऑर्गन वो मल्टी सेलर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप से होता है, देखिए इसकी डिटेल दे रखी है, तीन प्रकार से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। आपको नाम से ही ध्यान में आ जाना चाहिए, जो कंसेप्ट आपने कर रखे हैं पुराने 9-10 तक, उसको अप्लाई करना, अपने पास नहीं रखना है, तभी आपको साइंस साइड क्लियर होगा। कंसेप्ट कहीं लग सकता है, आपको माइंड को वाइड करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और तीन टाइप से होता है स्टूडेंट, तीन टाइप से, ठीक है। किस प्रकार के गैमेट पैदा करते हैं, आइसोगैमस, इंसोगैमस, ओगैमस। यदि गैमेट हमारा सेम साइज का है, सेम शेप का है, तो आपको बोलोगे आइसोगैमस, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज का है तो बोलोगे आप आइसोगैमस, इंसोगैमस। यदि आपका एक गैमेट बड़ा है और आपका लार्ज है, स्टेशनरी है, दूसरा गैमेट चलता है, तो आप बोलोगे ओगैमस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आइसोगैमस, इंसोगैमस। नंबर थ्री जो है ओगैमस। मैंने आइसोगैमस में बताया है कि आपका जो गैमेट रहेगा वो सेम रहेगा, सेम साइज का रहेगा और सेम शेप का रहेगा, यानी कि दोनों आपके भाई आपके सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकते हैं, दोनों आपके स्पेरिकल भी हो सकते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये कंडीशन कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, क्लामाइडोमोनस के अंदर, स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। तो ये हम कंडीशन देखते हैं उनके मेल क्लामाइडोमोनस के अंदर, हम ये कंडीशन देखते हैं, और देखते हैं बेटा आइसो स्पायरोगायरा के अंदर। इंसोगैमस में मैंने बताया गैमेट आपका अलग अलग साइज होगा, गैमेट जो है बोथ द गैमेट आर फॉर डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, ऐसे चलेगा आपका, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज। ओगैमस में फीमेल गैमेट बड़ा होगा, स्टेशनरी होगा, फीमेल गैमेट जो है आपका वो बड़ा होगा, वो स्टेशनरी लार्ज होगा, और वो आपका स्टेशनरी यानी कि एक जगह स्थिर रहेगा, और मेल गैमेट जो है वो आपका मोटाइल रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी के अंदर होता है वो तीन टाइप से होता है, आइसोगैमस कंडीशन से, ठीक है, और आपका मैंने बताया इंसोगैमस कंडीशन से, इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद में हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी आपकी काई है,
एलगी जो आपकी काई है, जैसे हम देखते हैं कहीं पर रेड कलर की एलगी हो जाती है फिल्मों में देखते हैं स्टूडेंट, और कई बार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गाँव में तो भाई हरी हरी काई जो होती है जो घर में भी लग जाती है कई बार दीवार के ऊपर, वो एलगी है बेटा। ठीक है, तो तीन प्रकार की एलगी होती है स्टूडेंट। ठीक है, क्लोरो क्लोरोफिएसी जो कि हम उसको ग्रीन एलगी के नाम से जानते हैं, देखिए सबसे पहले एलगी कहाँ पाई जाती है और कौन सी पिगमेंट होती है। क्लोरोफिएसी, ठीक है, इसके बारे में हम दो तीन बातें पढ़ेंगे। ऐसे पिगमेंट के आधार पर हमारी तीन प्रकार से आपकी एलगी डिवाइड हो जाती है, क्लासिफाई हो जाती है, फियोफिएसी आपका रोडोफिएसी। देखिए हम लिख देते हैं, क्लोरोफिएसी को हम ग्रीन एलगी के नाम से जानते हैं, इसको हम ग्रीन एलगी के नाम से जानते हैं, इसको हम फियोफिएसी को हम ब्राउन एलगी के नाम से जानते हैं, और हम रोडोफिएसी को हम रेड एलगी। देखिए बेटा कलर जो होता है वो पिगमेंट के आधार पर होता है, कहीं ना कहीं जो जिस कलर की पिगमेंट डोमिनेंट है तो वही चीज़ एक्सप्रेस होती है। तो आपको पता है कि ग्रीन जो आपका कलर है वो किसी भी एलगी का वो क्लोरोफिल की सहायता से रहता है। कहाँ पाई जाती है, देखिए क्लोरोफिएसी जो है फाउंड इन ए फ्रेश वाटर, फाउंड इन ए फ्रेश वाटर, ये भाई साफ पानी में पाई जाती है फ्रेश वाटर। भाई समुद्र का पानी नमकीन होता वहाँ नहीं मिलती स्टूडेंट। ओके, अब इसके बाद में ये बता रखा है कि इसमें क्लोरोफिल की पिगमेंट के टाइप होते हैं स्टूडेंट, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पिगमेंट के टाइप होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस है, इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाया जाता है पिगमेंट। पिगमेंट के आधार पर हमने तीन भागों में हमने एलगी को डिवाइड किया है। इसके बाद में स्टूडेंट बता रखे हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ बीटा कैरोटीन, देखिए बेटा ये अलग है तो पिगमेंट कैरोटीन, बीटा कैरोटीन्स और जेंथोफिल, ये पिगमेंट पाई जाती है जेंथोफिल। स्टार्च जो है एलगी जो फूड जो स्टोर होता है किसके रूप में होता है, प्लांट है तो इसमें सेल वॉल मिलेगी, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, और जो फूड स्टोरेज स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, भाई ये एलगी जो खाना है किस रूप में स्टोर करती है। सिंपल सी बातें हैं एलगी के बारे में, हम क्लोरोफिएसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी जो सेल वॉल है वही बात, सेल वॉल तो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है स्टूडेंट। फ्रेश वाटर में पाई जाती है, क्लोरोफिल ए और बी ए डोमिनेंट पिगमेंट हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीनों मोड से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव आपका रिप्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल आप देख सकते हो। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे स्टूडेंट, यूनिसेलुलर कौन सी है, और जो एक ऐसी एलगी का नाम बताओ जो कि आपका ग्रुप बनाती है, कॉलोनी बनाती है, छोटे छोटे घर बनाती है, तो उसका नाम है वोल्वैक्स। ये पीएमटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वोल्वैक्स एक ऐसी एलगी है जो कॉलोनी बना के रहती है, लास्ट टाइम आया था ये। इसके बाद में स्टूडेंट आपका आ जाता है फियोफाइटा, फियोफिएसी के नाम से या फियोफाइटा के नाम से हम इसको जानते हैं, कॉलोनी बना के रहती है। ठीक है, क्लोरोफिएसी को ग्रीन एलगी के नाम से जानते हैं, बस इसमें बेटा यही करना है। एनसीईआरटी किताब के अंदर टेबल दे रखी है, तीनों एलगी को क्लासिफाई कर रखा है, तो वो आपको टेबल वहीं से आप याद कर लीजिए, तो तीनों का आपका पूरा स्टैंडर्ड नॉलेज बन जाता है। ओके, एनसीईआरटी के से अंदर से कर लीजिए। फियोफिएसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसको हम ब्राउन एलगी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम फियोफाइटा, फियोफाइटा के नाम से, ब्राउन एलगी के नाम से जानते हैं। भाई ब्राउन हो, रेड हो, ग्रीन हो,
वो तो पिगमेंट के आधार पर ही है। जैसे पहले में पिगमेंट आपका डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल था ए और बी, तो डेसी डोमिनेंस ही वैसा कलर का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि ब्राउन एल्गी जो होती है वो मराइन वाटर के अंदर पाई जाती है, फाउंड इन ए मराइन वाटर, समुंदर के पानी के अंदर पाई जाती है मराइन वाटर। पिगमेंट स्टूडेंट, पिगमेंट क्या पाई जाती है? फूड स्टोरेज, स्टोर फूड, लिख लेते हैं ये बात सभी में है। स्टोर्ड फूड, किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए क्या क्या हम आर्टिकल इसमें ले रहे हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए और सी ये पिगमेंट पाई जाती हैं, और साथ में कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल तो है ही है। देखिए वहां पर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए और सी साथ के अंदर कैरोटीनॉइड्स और जैंथोफिल तो पाया जाता ही जाता है। और जो आपका खाना जो है, जो आपका खाना जो स्टोर्ड होता है वो मैनिटोल और लेमिनर, जो फूड स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, वो मैनिटोल के रूप में होता है, मैनिटोल, ठीक है। सेल वॉल जो बनी रहती है, जो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की, लिख रखा है कि वेजिटेटिव सेल इसके सेलुलोज की बनी रहती है, और उसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे एल्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्जीन। तो मैं लिख देता हूँ एल्जीन प्लस में सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, ऊपर से सिर्फ कवरिंग होती है जिलेटिन मास की, ठीक है। यहाँ पर हमने ये बता दिया स्टूडेंट कि एल्गी जो है आपकी फियोफिएसी ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आती है स्टूडेंट रोडोफिएसी, ये भी मराइन वाटर में ही पाई जाती है, लेकिन ये गहराई में पाई जाती है स्टूडेंट। एक सेकंड, फाउंड इन ए मराइन वाटर, ये समुद्र की गहराई में पाई जाती है डीप एरिया के अंदर। पिगमेंट क्या होती है इसमें? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन्स, ठीक है। इसे रेड एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी क्यों होती है? इसको में फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन, ये पिगमेंट पाई जाती है। बाकी तो आपको पता है सारी पिगमेंट क्लोरोफिल वाली मिलेंगी, कैरोटीनॉइड्स मिलेगा और बीटा कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए और डी। ये खाना जो स्टोरेज होता है इसके अंदर है वो स्टार्च के रूप में होता है, और जो आपकी सेल वॉल है, जो फूड स्टोरेज है वो स्टार्च के रूप में होता है। और इसके अंदर बात वही है, सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन और एस्टर की बनी होती है, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वही फ्रेगमेंटेशन से, वही मेथड है आपका फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद में स्टूडेंट अब आते हैं एल्गी के यूज। देखिए ओरल ध्यान से ही सुनिए एल्गी का क्या यूज होता है। मैंने बताया था एल्गी एक प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो एल्गी ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बना के रखता है, पहला यूज ये हो गया। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि न्यूट्रिएंट पा जाता है तो खाने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेस में जाते हैं तो उनका न्यूट्रिएंट होता है, तो स्पेस जो पर्सन होते हैं वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। चारे के रूप में यूज़ किया जाता है एल्गी का, फोडर के रूप में, आइसक्रीम बनाने के लिए, और एक कल्चर मीडिया होता है माइक्रोब ग्रोथ के लिए, उसमें भी एल्गी का प्रयोग किया जाता है। स्पेस ट्रेवल यूज करते हैं, आइसक्रीम जेली बनाने के लिए यूज करते हैं,
प्रोड्यूसर हैं, ये एल्गी को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, और 50% आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी के द्वारा फिक्स करके ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है। स्टूडेंट ये बेसिक बातें हैं। ओके, ये एल्गी के बारे में हमने बता दिया सारा, कल हम बताएंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, यूज़ भी डिस्कस कर लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ओके।